गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 15 मार्च 2023। डॉलर इंडेक्स अभी है 103.68। कल एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है, व्हाट इट मींस पॉज, लो के नीचे कंटिन्यूएशन, हाई के ऊपर थोड़ा सा पुल बैक। दैट बीइंग द केस, अभी हमें इंतजार है कि आज के दिन क्या ये डोजी कैंडल के लो को तोड़ता है या हाई को तोड़ता है। पॉसिबिलिटी लो को तोड़ने का है। अगर हम थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे, वीकली सेंटर बैंड के वहां से नीचे की तरफ आ रहा है, मंथली अंडर फॉर्मेशन से आपका फरवरी का बुलिश कैंडल के बाद ये अंडर फॉर्मेशन, बिकॉज हाफ ऑफ द मंथ आपका बाकी है। यहाँ पे देखने वाला बात है कि द रेंज शिफ्ट अंडर फॉर्मेशन अभी तक फॉर्म हुआ नहीं। ये अगर रेन शिफ्ट कंफर्म हो जाता है, इन सच ए केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि डॉलर इंडेक्स सॉफ्ट होना चाहिए। डॉलर रुपी अभी है 82.22। कल अच्छा खासा एक डिमांड ड्यूरिंग द डे ड्यू टू अनसर्टेनिटी, क्या होगा क्या नहीं होगा उसके लिए हुआ था, एंड इट ट्रेडेड हाई ऑफ 82.53। ये जो कैंडल बनाया हुआ है ये एक इन्वर्टेड पिन बार फॉर्मेशन से, ये इन्वर्टेड पिन बार कहाँ पे हुआ है, ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था उस लेवल पे, इस लेवल पे यानी 82 पॉइंट आपका 40-50 जोन पे, यहां पे एक रेजिस्टेंस लिया है। दैट मीन द केस आज या आने वाले दिनों में थोड़ा सा रुपी अप्रिशिएट करना चालू करता है, इन सच केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज इट विल अगेन टेस्ट 81.67 नीचे के तरफ रुपी अप्रिशिएट करना चाहिए। दैट मीन द केस हमें इंतजार रहेगा कि प्राइस और कैसे बिहेव करता है। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर में। जीबीपी डॉलर एट 1.2156 अच्छा खासा ऊपर चला गया है। अभी जो आप आरएसआई देखोगे, डेली आरएसआई हैज रीच्ड 60 एंड दैट बीइंग द केस यहाँ पे थोड़ा सा हेजिटेशन से इसको अगर ऊपर जाना है तो कल का जो एक छोटा बॉडी स्मॉल बॉडी रेड कैंडल बनाया हुआ है उसके हाई के ऊपर चलना पड़ेगा, एंड इन सच ए केस इमीडिएट जो हमारा डेस्टिनेशन हो सकता है वो है 1.2450 से 1.25 के तरफ, एंड प्राइस जो लोअर टाइम फ्रेम में हमें देखना है हायर हाई हायर लो, अगर इसको ऊपर जाना है तो। जीबीपी आईएनआर में भी सिमिलरली अच्छा खासा कल एक परसों के अच्छा खासा मूवमेंट के बाद कल एक स्मॉल बॉडी कैंडल हुआ है। आरएसआई आल्सो रीच्ड 60 एंड जस्ट रेस्पेक्टिंग द रेजिस्टेंस आरएसआई रेजिस्टेंस, इसको अगर ऊपर जाना है तो कल के हाई के ऊपर स्मॉल बॉडी कैंडल जो है उसके हाई के ऊपर जाना पड़ेगा। इन सच ए केस हमारा जो इमीडिएट डेस्टिनेशन होगा वो होगा 102.50 की तरफ। यूरो डॉलर सिमिलरली कल एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है, नॉट ए नेगेटिव कैंडल, बट यहाँ पे वही है कि आरएसआई इज अप्रोचिंग 60, तो इमीडिएटली थोड़ा सा मूवमेंट जो होगा रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है, हायर साइड में रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है। लेकिन ये डोजी कैंडल के हाई के ऊपर अगर एक बार कन्विंसिंगली बैठ गया तो इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 110। यूरो आईएनआर सिमिलरली एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है, वही सिमिलर डिटो प्रेजेंटेशंस, आरएसआई अप्रोचिंग 60 एंड दैट बीइंग द केस जब तक इस डोजी कैंडल के हाई के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज नहीं दे देते हैं तब तक एक हेजिटेशन होगा, और एक बार ये आरएसआई टर्म्स में अबव 60 चला गया तो अपवर्ड मूवमेंट जो होगा काफी शार्प होगा। डॉलर येन 134.37, यहां पे कल एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखा गया, एंड जो सपोर्ट था नियर टू 40 विच इज एट 43.12, इसमें एक हायर टाइम फ्रेम में नजर डाल लेते हैं। हायर टाइम फ्रेम में वीकली पे एक सेंटर बैंड की तरफ रेजिस्टेंस ले रहा है, एंड मंथली पे जो नेगेटिव कैंडल है अभी अंडर फॉर्मेशन से कंप्लीट नहीं हुआ, मार्च महीना कंप्लीट होने के लिए अनदर
आपका 15 डेज बाकी है, डेट बीइंग द केस ये जो कैंडल है दैट इज हाफ फॉर्म्ड, नॉट फुल्ली फॉर्म्ड। तो क्या ये इस महीने में ये रेन शिफ्ट करके नीचे आएगा इन सच ए केस डॉलर येन पे, यानी येन इज एक्सपेक्टेड टू एप्रिशिएट मोर। अभी आते हैं येन आयनर पे कल एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आप देखोगे 60 पे फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया है एंड इसका जो लोकेशन है वो है आपका ये प्रीवियस इसके पास। जब तक ये इस एरिया को तोड़ के कन्विंसिंगली ऊपर नहीं जाता है एंड आरएसआई टर्म्स में जब तक ये 60 के ऊपर नहीं जाता है थोड़ा सा सॉफ्टनेस यहाँ पे बरकरार रहेगा। क्या होता है हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। डॉलर कैंडी काफी सॉफ्ट हो चुका है 1.3685। ये डोजी कैंडल जो आपका 10th मार्च को बनाया था उसके बाद लो के नीचे ब्रेकडाउन एंड सॉफ्टनेस हो चुका है। अभी हमें जो देखना है ये आपका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था क्या ये करेंटली करंट लेवल पे सपोर्ट का काम करता है या नहीं। तो अभी भी ये ब्रेकडाउन किया है लेकिन कन्विंसिंगली नीचे नहीं आया है। क्या ये लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे आ जाता है ये हमें देखना पड़ेगा। एंड ऑल्सो नीचे इमीडिएटली ये सेंटर बैंड दैट इज द 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, दे आर ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट ये सेंटर बैंड से भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकते हैं। क्या होगा हमें इंतजार रहेगा। ऑसी डॉलर नीचे कंसोलिडेट करने के बाद बाउंस किया एंड टेकिंग रेजिस्टेंस एट 0.6। दैट बीइंग द केस हमें ये देखना है कि इस लेवल को कितना जल्दी या कितना स्ट्रांगली ऊपर की तरफ ब्रेक आउट करता है जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन है और ऑल्सो द वर्टिकल रेजिस्टेंस लाइन। अगर इसको ऊपर जाना है तो इस दोनों लाइन के ऊपर कन्विंसिंगली स्ट्रांग बॉडी कैंडल के साथ क्लोज देना पड़ेगा। CNH आपका कल एक इनसाइड बार कैंडल बनाया हुआ है, हमें जो इंतजार था कि 13 मार्च के लो के नीचे कंटिन्यूएशन, ये 13 मार्च के लो के नीचे कंटिन्यूएशन नहीं किया 14th को, रेदर एक इनसाइड बार कैंडल बनाया हुआ है परफेक्ट इनसाइड बार। इसका मतलब क्या है, लो के नीचे एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूके ऑयल 78.3, तो जिसका हमें इंतजार था ये 79-89 ये रेंज को ब्रेकआउट करना है आइदर डायरेक्शन में, ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया है। ब्रेकडाउन कैंडल जो है काफी बड़ा बिग नेगेटिव कैंडल। अभी एक और चीज करना है कि कल का जो लो है उस लो के नीचे कंटिन्यू करना है, देन एंड ओनली देन ये जो ब्रेकडाउन विल बी कंसिडर्ड एज ए सक्सेसफुल ब्रेकडाउन। अदरवाइज फिर मामू बना सकता है, मतलब ये ब्रेकडाउन किया फिर वापस रेंज के अंदर में, क्या ये वापस फॉल्स ब्रेकडाउन के तहत ये अंदर में चला आएगा या नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा, क्या करेगा। US 10-year ट्रेजरी आपका है ये 3.68, ये जो लो के नीचे कंटिन्यूशन नहीं था, रेदर पुल बैक किया और जो सपोर्ट था वो करीबन 40 के आसपास था, थोड़ा सा नीचे है, नॉट एग्जैक्टली एट 40, बेटर एट 57 लेवल पे। तो इसमें हम एक थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में जाके देखने का प्रयास करेंगे। क्या बनाया है आप देखोगे, ये एक पिन बार अंडर फॉर्मेशन से वीकली चार्ट पे पिन बार अंडर फॉर्मेशन, अभी भी जस्ट 2 दिन ही गया है और 3 दिन, आज का दिन को लेके 3 दिन बाकी हैं। ये यहाँ पे प्राइस सेक्शंस क्या कहते हैं, काफी इंडिसेशन यहाँ पे, यानी ये जो आपका सिलिकॉन वैली बैंक का इंसिडेंट के बाद इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करना चाहिए विसावी आपका CPI डेटा NFP डेटा ऑल दिस थिंग्स, तो फेड का जो आपका 22nd को जो रेट डिसीशन होगा उसके लेके मार्केट में अभी थोड़ा और
इनडिसीजंस रहेगा थोड़ा टाइम के लिए। लेकिन यहाँ पे जो रेन शिफ्ट है ये कह रहा है कि मैं नीचे जाने वाला हूं विद ए कंडीशन जब तक इसका हाई इज प्रोटेक्टेड, यानी 4.09 इज प्रोटेक्टेड, ये रेन शिफ्ट इज एक्सपेक्टेड। व्हाट इट मींस, अभी ये इमीडिएट सपोर्ट हो जाएगा 3.54, उसके बाद एक अनदर फॉल टुवर्ड्स 2.6। काफी क्विकली चार्ट में काफी टाइम लगेगा, इमीडिएटली कल परसों में नहीं होना है। एंड ऑल्सो जी, ये जो मंथली प्राइस एक्शंस बन रहा है, यहाँ पे आप देखो अक्टूबर में बुलिश, नवंबर में बेयरिश, दिसंबर में बुलिश, जनवरी में बेयरिश, फरवरी में बुलिश, एंड आपका मार्च में बेयरिश कैंडल अंडर फॉर्मेशन, जस्ट लाइक द डॉलर रुपए की तरह। तो इसमें एक इंतजार है इसके लो को तोड़ने का 3.30। एक बार इस लो को तोड़ दिया तो कमाल हो जाएगा। कमाल बोले तो यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किया था 2.65, तो यहाँ पर भी 2.73 एज द टारगेट, दैट इज द सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड। सो ये हो गया आपका यूएस 10-year ट्रेजरी। फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे ये 10-year यूएस 10-year ट्रेजरी वर्सेस यूएस 2-year ट्रेजरी, बिकॉज ये जब 2-year will come below 10-year, इसका structural changes होना चालू हो जाएगा। पहले यहाँ पे इस level पे आप देखो US 10-year treasury was much higher than the 2-year and how the market was structured। उसके बाद आपका ये July 22 से 2-year treasury ऊपर चला गया and उसके स्ट्रक्चर मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है। सो यहाँ पे हमें एक ये जो है इंतजार रहेगा कि हाउ द 2-year वर्सेस द 10-year का कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है, एक नज़र हम यहाँ पे देखेंगे। एंड हमें इंतजार रहेगा, एक तो डिफरेंस बढ़ रहा है, स्प्रेड बढ़ रहा है, ये घट रहा है फर्स्ट, एंड क्या 2-year ट्रेजरी 10-year के नीचे आ रहा है। तो हमें मार्केट में ओवरऑल जो टेक्सचर है, द कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो उसमें चेंजेस देख सकेंगे। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमॉन्ग द फ्रेंड सर्कल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।